अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज़ आफिज़ अली अहमद और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो दोस्तों, मैं घर आया था तो मुझे पता चला कि जैगम भाई हवेली गए हैं, और एक और ख़बर मिली कि जो हमने कल कूलर लगाया था वो कूलर भी जो है वो हमारा हो चुका है फिर से ख़राब। तो अभी दोबारा से उसको ठीक करवाना पड़ेगा, पता नहीं क्या मसला है उसका, शायद करंट स्टैंड का कोई मसला है। और उसके अलावा आज हमारा वैक्सीन डे था, वैक्सीन हमारी मिल नहीं थी रही काफ़ी दिनों से। तो आज वो डॉक्टर साहब ने हमें फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आपकी वैक्सीन आ गई है और आप आके ले जाएं। तो चले अंदर चलते हैं और देखते हैं कि चीज़ों की क्या कंडीशन है। मौसम आज जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा हो गया था, तो देखते हैं चीज़ों वगैरह की क्या कंडीशन है। अभी ये लगा दी हमने कुंडी, तो हम आ चुके हैं अंदर और जैगम भाई बाहर चले गए हैं। ये देखें, ये सामने खड़े हैं और उन्होंने ना यहाँ पे भी चूना वगैरह डाला है और यहाँ पे भी, क्योंकि ये जरासीम वगैरह होते हैं थोड़े से, तो वो अंदर ना जाएं, इसलिए जो है ना चूने का थोड़ा सा इस्तेमाल कर ले रहे हैं। मैं आपको चूज़े दिखाता हूँ। चूज़े ये देखें, चूज़ों की लगी हुई थी प्यास और इनका पानी ख़त्म हुआ था, तो अभी चूज़े जो है ना वो पानी वगैरह पी रहे हैं और मौजे शोजे कर रहे हैं। इनका कूलर जो है ना ख़राब हो गया था। मौसम आज थोड़ा सा जो है ना मौसम ठीक है, इसकी वजह से चूज़ा आज गर्मी नहीं कर रहा। मौसम ठीक है तो चूज़ा जो है ना मट्टी शट्टी में खेल रहा जाएगा, पानी लगता, पानी लगाया हुआ अंदर। टेम्परेचर जो है ना वो फिर भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, टेम्परेचर फिर भी 35 जो है ना वो चल रहा है। चूज़ा गर्मी कर रहा है, बनिस्बत कम कर रहा है। तो इंशाल्लाह अभी चलते हैं, वैक्सीन लेके आते हैं, इलेक्ट्रिशियन को लेके आते हैं और अपना ये देखते हैं हमारा जो कूलर है ना, ये देखें ये फिर से पता नहीं क्यों ख़राब हो गया। इसके शायद कोई तार वगैरह का कोई मसला है। तो अभी इलेक्ट्रिशियन के पास चलते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसको कहते हैं यार सही कर दे हमें, हमारे चूल्हे जो है वो गर्मी की वजह से ख़राब हो रहे हैं ज़रा, उनका ये चूल्हे बहुत गर्मी करते हैं, ये ना गर्मी की वजह से कोई चूल्हा एक्सपायर हो जाए हमारा। तो अभी चलते हैं इलेक्ट्रिशियन की तरफ। तो गाइस हम घर आए हुए थे, काम था थोड़ा सा, पैसे लेने थे। तो अभी मैं और जैगम भाई जो है ना वो जा रहे हैं वैक्सीन लेने, और वापसी पे हम इलेक्ट्रिशियन भाई को भी साथ लाएंगे और उनसे थोड़ा बहुत ना काम कराएंगे। दुकान के बाहर हम पहुंच चुके हैं, तो अभी हम लेंगे वैक्सीन इस दुकान से। मैं आपको दुकान दिखा देता हूँ, ये MM पोल्ट्री फार्म। तो गाइस वैक्सीन हम ले आए थे, तो उसके बाद वो कूलर ख़राब हो गया था, इलेक्ट्रिशियन के पास गए, वो काफ़ी उधर टाइम लग गया इधर उधर, तो कूलर हमारा अभी तक नहीं ठीक हुआ। तो हम अभी आए थे शेड पर वापस, इनको वैक्सीन करनी थी, तो अभी इनको जो है ना करते हैं वैक्सीन और आपको दिखाते हैं। अभी इनको जो है ना थोड़ा बहुत ये ईंटें लगाई है, दीवार बनाई है जैगम भाई ने, तो अभी इन ईंटों के अंदर इनको जो है ना वो करते हैं थोड़ा सा क्लोज। देखो ये करें यार उधर से, तो दोस्तों इनको करने वाले हम वैक्सीन, अब ये पकड़े नहीं जा रहे, इनको करनी है माउथ ड्रॉप, एक चूजे को दो कतरे, दूसरी तरफ जैगम भाई बैठे हुए हैं, इनको करते हैं वैक्सीनेशन। चूजे को पकड़ें, उसका गला थोड़ा सा दबाएं और वैक्सीन हो गई। सर डाली बस दबाने
मेरी वैक्सीन भी डालनी है। वेन फाड़ दे नहीं है, बोतल पकड़ दी है खा लेते हैं। मैं योगी आवाज वैक्सीन हमारी हो चुकी है मुकम्मल, सबको कर दिया। तकरीबन 15-20 मिनट लगे हैं, तो अभी इनको इन्होंने फीड भी कर लिया, वैक्सीन वगैरह भी हो गई है इनकी। तो अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।